माध्यम से सरकार को बताएं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने आग्रह करता हूँ। ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियाँ द्वारा हर साल कटाव का कारण लाखों लोग के भूमिहीन और बेघर होना पड़ता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट के इलाके जबरदस्त कटाव से प्रभावित है हो रहे हैं। लगातार हो रहे कटाव के राज्य की करीब 4000 वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण और हो चुका है और इससे करीब 25,000 गांवों में बसे 50 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में होने वाला यह भूमिक्षरण करीब 80 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। इस मामले को राज्य के जल संसाधन विभाग ने विशिष्ट संवेदनशील और अति शरणीय स्थलों की पहचान की है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि असम से लगने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर जारी कटाव से अभी तक लगभग 7.4% भूमि का नुकसान हो चुका है। ऊपरी असम एवं डिब्रूगढ़ जिले से छाए बगान वाले क्षेत्र इससे पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नदी के तट से लगे हुए डिब्रू सैखुआ राष्ट्रीय उद्यान का भी काफी कपित इससे प्रभावित है। अतः आपसे निवेदन है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य समूह को गठित किया जाए और एक अध्ययन कराकर जल्द से जल्द ठीक कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया जाए, जिसमें आम जनता को इस गंभीर समस्या से निपटाने के जा सके।